हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करते हैं, ये देखिए खजूर का पत्ता है, ये सब सूखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए ये सब सूखा हुआ पत्ता है, जितना भी खजूर का यानी जो भी बलदिया जो भी गंदा पत्ता है, सूखा हुआ पत्ता, टूटा फूटा जो भी है, इस पत्ते को हम लोग इसको खाद बनाता है, ऑर्गेनिक खाद फर्टिलाइज़र बनाते हैं हम लोग। देखिए इसका ये पत्ता, सूखा हुआ पत्ता और क्रेप जो भी है, हम लोग सब इसको फर्टिलाइज़र बनाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए सब ये खजूर का पत्ता है सूखा हुआ, ये देखिए चारों तरफ ये सब सूखा हुआ पत्ता है। हम इसको मशीन में डालकर पिसाई करते हैं, ये देखिए मशीन है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए दो मशीन है, इसमें ट्रैक्टर से डाला जाता है ये सब सूखा हुआ पत्ता। अभी मशीन नहीं चल रहा है, आदमी लंच करने गए हैं सब, आप लोग देख सकते हैं। देखिए पत्ता कैसे डाला जाता है, ऊपर से डाला हुआ है, बाद में वो घूमता रहेगा, फिर पिसाई करता रहेगा। ये देखिए ये सब पिसाई हो गया है, देखिए पूरा भूसा बना दिया है, यहाँ से गिरता रहता है, जैसे वो क्रेशर पे कैसा गिट्टी का पिसाई करता है वैसे ही सेम सेम है। ये भी देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये पूरा भूसा हो गया है। हम लोग इसी को ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, ये देखिए इधर भी है एक मशीन, दो मशीन इधर चालू है, अभी लंच करने गया आदमी तो इसलिए बंद है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए इसमें पत्ता डाला जाता है, फिर ये घूमता रहता है, मशीन चालू रहेगा ये घूमता रहेगा, बाद में मशीन पीस कर ये बेल्ट से इधर नीचे गिराता रहता है। ये देखिए आप लोग मशीन भी देख सकते हो, ये 6 सिलेंडर का मशीन है, बहुत बड़ा है। खाद कैसा बनता है ये देखिए, अभी हम लोग ये JCB से सब हम लोग इसको लाइन लगाया है, 300 मीटर का लाइन है ये, इस ये लाइन का ऊपर से हम लोग चिकन का हो गया या ऊँट का हो गया इसका स्टूल डाला जाता है, ये भूसा का ऊपर से डाला जाता है। चिकन का भी डाल सकते हो आप लोग और ऊँट का भी। ये देखिए ये पूरा हम लोग लाइन लगाया है, इसका ऊपर से हम लोग अभी चिकन का डालेंगे, चिकन का ऊँट का स्टूल आप लोग डाल सकते हो। अगर आप लोग को ऑर्गेनिक खाद बनाना है तो हम लोग खरीदता नहीं है, देखिए हम लोग हमेशा ऐसे ही बनाता है, जितना भी हम लोग का खजूर का बलदिया है सब हम लोग पिसाई करके ऐसे ही खाद बनाता है, ऑर्गेनिक खाद। ये देखिए पूरा लाइन बना हुआ है, देखिए ये अगले लाइन में चलते हैं, इसका ऊपर ये ऊँट का स्टूल डाला गया हुआ है। देखिए ये ऊँट का है, देखिए ये ऊँट का स्टूल है, आप लोग चिकन का भी डाल सकते हो। देखिए ये भूसा का ऊपर से हम लोग ये ऊँट का डाला है स्टूल, आप लोग चिकन का भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये चिकन का है, ये चिकन का स्टूल है, देखिए आप लोग ये डाल सकते हो। बाद में इसका ये डालने के बाद हम लोग पानी डालता रहता है टैंकर से, इसमें पानी डेली डाला जाता है, पूरा इसको भिगाते हैं डेली पानी देकर, ये आपका एक महीने का अंदर डेली अगर पानी दोगे तो ये जल्दी सड़ेगा, सड़ जाने के बाद ये पूरा काला सा हो जाएगा, फिर तैयार हो जाएगा, जब तैयार हो जाएगा पूरा काला हो जाएगा तो फिर इसका ऊपर से हम लोग सल्फर का दाना डाला जाता है इसका ऊपर, फिर मशीन से हम लोग मिक्सिंग करता है, उसके बाद तैयार हो जाता है, फिर हम लोग पेड़ पे डालते हैं खजूर का।